नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ टाइम। चूंकि स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आपका भविष्य भी सही है, वर्तमान भी सही है, और अगर सही स्वास्थ्य नहीं है तो फिर आप हर वक्त अपने आप को संकुचित महसूस करेंगे। चूंकि स्वास्थ्य जगत के तमाम बातों को हम लगातार लेकर के आते रहते हैं और बिग न्यूज़ नाइन इस पर मजबूती से कदम उठाती है, क्योंकि जानना जरूरी है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उससे निजात कैसे पाएंगे। इन तमाम बातों को रखने के लिए और इस चर्चा में बनने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ज्योति होम्यो क्लिनिक, उनके फाउंडर हैं या डॉक्टर मदन मोहन प्रियदर्शी, जो कि काफ़ी होम्योपैथ में एक अपने आप में जगह रखते हैं और लगातार जिस तरह से असाध्य बीमारियों का इलाज इन्होंने किया है, ये एक मिसाल कायम करने वाली बात है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। क्या लगता है कि चूंकि होम्योपैथ में लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले नहीं था, लेकिन क्या चूंकि बड़ी बीमारियां भी अब धीरे धीरे आने लगी है और उसका होम्योपैथ में इलाज भी हो रहा है, तो इस पर क्या करना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहली बात है कि होम्योपैथ डॉक्टर अब पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल ढंग से काम करने लगे हैं, जिस वजह से बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा आसान हो गया है। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर का अब केस पहले की तुलना में ज़्यादा ढंग से ट्रीट किया जाता है और उसको क्योर भी किया जाता है। अच्छा, ये जो आपने, चूंकि अभी हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कैंसर जैसे बीमारी में बहुत पैसे खर्च होते हैं, ये बड़ी बीमारी मानी जाती है और विदेशों में भी इसके इलाज हो रहे हैं, तो क्या होम्योपैथी में कैंसर का इलाज संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ढंग से होम्योपैथिक डॉक्टर आज के डेट में फोर्थ स्टेज कैंसर का भी सही ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। उसके पीछे जो कारण है कि पहले हम लोग जो हमारे पहले के डॉक्टर थे जो काम करते थे, और ढेर सारे सिम्टम को लेते थे, जैसे कि क्लासिकल डॉक्टर होते थे और वो लोग काम करते थे, फिजियोलॉजी देखते थे, एनाटॉमी देखते थे और पर्टिकुलर सिम्टम लेते थे, माइंड पे काम करते थे। लेकिन मतलब इसमें स्पेशलिटी होती थी? नहीं, पहले कॉमन सिम्टम लिया जाता था, ढेर सारा सिम्टम लिया जाता था, लेकिन अब जैसे हम लोग क्लासिकल सिम्टम को दरकिनार करते हुए सिर्फ मेंटल सिम्टम को लेकर काम करते हैं और उसमें 90-95% रिजल्ट मिल पाता है। ये क्लासिकल सिम्टम्स क्या होता है और मेंटल सिम्टम? मेंटल सिम्टम का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको हमसे कोई पूछे कि आप डॉक्टर साहब क्या डिग्री है, तो हम उसको बताते हैं कि मेरा डिग्री बीएचएमएस है, तो उसको स्वतः पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब बीएचएमएस करने के पहले इंटर किए होंगे, उसके पहले मेट्रिक किए होंगे। तो पहले क्लासिकल होम्योपैथ में डॉक्टर से को पढ़ाया जाता था, बताया जाता था कि तुमको उसके बारे में पूछना है कि अच्छा पैर में क्या दर्द है, सर में क्या परेशानी है, पेट में क्या परेशानी है, उसके ढेर सारे सिम्टम को कलेक्ट किया जाता था। अब उसको नहीं करना है, अब सटीक उसका उसकी जो सोच है पेशेंट की अपनी बीमारी के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में और अपने बारे में, उस सोच को समझ के काम करना है। ये मेंटल सिम्टम हो गया, पहले क्लासिकल में ढेर सारे सिम्टम को लिया जाता था। तो ये कैंसर का जो इलाज है ये किस किस तरह के, चूंकि अगर कैंसर के बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत तरह के कैंसर होते हैं, तो बेसिकली चूंकि आपने, आपका इंडिया टुडे ने भी काफी गंभीरता से आपकी खबरों को प्रकाशित किया था मैगजीन में और लगातार आउटलुक में भी आप दिखते आए हैं, तो कहीं ना कहीं चूंकि आप स्कॉलर रहे हुए हैं, इसमें बहुत तरह की बातें कही जाती हैं, तो कैंसर जैसे बीमारी को होम्योपैथ से ठीक करने का विचार कैसे बना? नहीं, ऐसा विचार नहीं था कुछ, लेकिन हमने अपने फादर को देखा और ढेर सारे होम्योपैथिक स्कॉलर को देखा कि उन्होंने बहुत आसानी से ठीक किया, और थर्ड स्टेज का कैंसर हो, फोर्थ स्टेज का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, यूट्रस का कैंसर जो महिलाओं में खास होता है और
ज्यादा होता है, बहुत आसानी से ठीक होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत आसानी से, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छे ढंग से काम किया जाए तो केस आराम से निकलता है। अभी भी अपने ट्रीटमेंट में ढेर सारे केस है, ओरल कैंसर का 2 केस चल रहा है और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। उनको उनके सही सिम्टम को लेकर काम करने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक और, चूंकि मैंने आपके बारे में जब पढ़ा और इस चीजों को रिसर्च कर रहा था, तब हमने एक चीज देखा था कि महिला से जुड़ी जो समस्याएं हैं या जो प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं हैं, इसमें एक चीज हमने देखा कि जो बांझपन की समस्या कही जाती है, जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं, उनकी भी रिव्यूज मैंने देखी है कि आप उनके उस परेशानी को दूर किया है आपने, तो क्या ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसमें इतना कैसे आप श्योर होते हैं कि ये हो जाएगा? हाँ, फीमेल स्टरिलिटी आज के डेट में काफ़ी बढ़ गया है। अपने यहाँ भारत में लगभग 50% जो फीमेल स्टरिलिटी का इनफर्टिलिटी का केस है वो ड्यू टू लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से हो गया है, जैसे मोटापा, थायराइड हो गया, PCOD का केस हो गया और ट्यूब बंद होना, जिसको सल्फेंगोग्राफी कहते हैं, उसकी वजह से ज्यादातर है। खाने पीने का तौर तरीका चेंज हो रहा है, उठने सोने का तौर तरीका चेंज हो रहा है। जनरली जो इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी खासकर, वो लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से है। तो आप उसको मैनेज करके, कुछ डाइट चेंज करके, ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट देकर आप सही कर सकते हैं जी। क्या चांसेस रहता है अगर ये हो कि किसी महिला का, अगर दोनों ट्यूब, चूंकि ट्यूब्स 2 होते हैं ऐसा भी मैंने जी बिल्कुल, अगर दोनों ट्यूब बंद हो जाए, क्या इस केस में भी चांस बिल्कुल होगा? बहुत सफलता मिलता है जिन लोगों का दोनों ट्यूब बंद है, जिन लोगों का सिंगल ट्यूब बंद है, उन लोगों को बहुत 100% सफलता मिलता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। क्या ड्यूरेशन होता होगा, क्योंकि अगर लंबे समय से कहें कि 10 साल, 15 साल, 20 साल से इस तरह हमने देखा है कुछ पेशेंट में जिनका दोनों ट्यूब बंद था, लगभग 5-6 महीने लगा है और आराम से वो महिला कंसीव कर पाएंगे। चूंकि आप जाने जाते हैं बेसिकली कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, आप महिला समस्याओं में हमने बात किया कि जिस तरह से ट्यूब बंद हो जाती, इन सब समस्याओं पर आप गंभीर से काम कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर का अगर पेशेंट हो और आखिरी स्टेज तक हो, तो क्या होम्योपैथी में इलाज संभव है? हाँ सर, बिल्कुल संभव है। एक्चुअली होम्योपैथ कैसे काम करता है, पहले इसको समझ लेना ज्यादा बेहतर है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पेशेंट के पार्टिकुलर सिम्टम से हमको कोई मतलब नहीं होता है। पेशेंट अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में क्या फील कर रहा है और डिजीज को लेके उसका क्या सोचना है, सही सिम्टम का सिलेक्शन करने के बाद एक मेडिसिन पे हम लोग पहुंचते हैं और उसके बाद वो स्टेज कुछ भी हो, मतलब उससे नहीं है। क्योंकि हमने देखा है 4th स्टेज कैंसर लगभग 1.5 साल में क्योर हो जाते हुए। अच्छा अच्छा। ब्रेन ट्यूमर जिन लोगों का 1-2 बार सर्जरी भी हो चुका था और उन लोगों का भी जो रिकरेंस हुआ ट्यूमर का, और अपने ट्रीटमेंट होने तक ट्रीटमेंट में आने के बाद 5-6 महीने में वो ट्यूमर डिजॉल्व हो गया, तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर के हलेने से, अगर प्रॉपर डॉक्टर के साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन करना जरूरी होता है पेशेंट का, पेशेंट कोऑपरेट करने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आता है, पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव है थोड़ा सा डिले होता है, डॉक्टर को काम करने में थोड़ी समस्या होती है, रिजल्ट मिलता है। एक और चीज, चूंकि हम लोग अब स्वास्थ्य पर जब चर्चा कर रहे हैं, तो चूंकि हमारे देश में COVID-19 भी काफी प्रभावी रहा है, अभी भी 1 साल बाद फिर से वो अपने नए प्रकोप में आ गया है, तो इसको हम लोग कैसे देखें, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे COVID-19 से क्या बचना होगा और कैसे इसको देखें, इससे डरने की जरूरत है या नहीं, इस पर थोड़ा सा। बिल्कुल, अभी डरने की जरूरत है, चूंकि पहले के तुलना में अभी COVID-19 ज्यादा स्प्रेड कर रहा है और उसकी जो पावर है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। अभी तो बहुत अच्छा
आ गया कि कोविड-19 का वैक्सीन भारत में चारों तरफ सब लोगों को मिल रहा है, लगभग 45 के ऊपर हर एज ग्रुप को मिल रहा है, तो लोग वैक्सीनेशन करवाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क यूज करें, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजर यूज करें, तत्काल तो यही जरूरी है। और अब धूप का प्रकोप बढ़ रहा है तो थोड़ा सा धूप से भी बचे। तो इस लगातार चर्चा में हम तमाम सिम्टम्स पर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि अगर चूंकि जो बेसिक समस्याएं आज के जनरेशन में है कि जो बच्चे हैं जो लगातार नशा के सेवन करते हैं या फिर जो लड़कियां हैं, इसमें एक मेंशनल प्रॉब्लम आती है, क्या समस्याएं होती है इसमें और क्यों इस तरह की, चूंकि अभी जो देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे कंडीशन और बहुत बच्चियों के साथ ऐसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये क्या समस्या क्यों होता है और इसके क्या उपाय होने चाहिए? अभी जिस एज ग्रुप में की बात आप कर रहे हैं, जो टीन एजर की बात, तो थोड़ा सा तो उनको बचना पड़ेगा, सोसाइटी को संभलना पड़ेगा, और एडिक्शन किसी भी तरह का हो पेरेंट लेवल पे भी उनका गाइडलाइन सही होना चाहिए, सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए कि कोई अगर एडिक्टेड पर्सन है तो उसके मदर फादर को या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं अभी समाज में उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करें, बचाएं एडिक्शन से। और एडिक्शन के बाद ढेर सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है यूथ को, जैसे नींद की कमी, फीमेल में स्टर्डिलिटी का हो जाना, पीसीओडी का बढ़ जाना, मोटापा बढ़ जाना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जो लड़के हैं उनका नींद नहीं आना, बेचैनी होना एडिक्शन को लेकर, और उसके बाद ढेर सारा गलत रास्ता पकड़ लेना, तो इसके बारे में तो यही है कि थोड़ा सा बचे यूथ। तो हम लगातार स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मदन मोहन प्रियदर्शी जी से कर रहे थे, और चूंकि होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और इसमें किन किन बीमारियों का इलाज संभव है और जो असाध्य बीमारी है उसकी क्या निदान हो सकती है, तो हम तमाम मुद्दों पर चर्चा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर साहब। थैंक यू।